नमस्ते, मैं हूं दर्शन दबे। देवानंद फैन क्लब के सभी एवरग्रीन, एवर यंग, जोशीले और लविंग फैंस को मेरा नमस्कार। मैं बाय प्रोफेशन एक एक्टर, कंपोजर, सिंगर होने के अलावा दर्शन दबे फिल्म्स एंड म्यूजिक और दर्शन दबे एक्टिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी हूं। लेकिन जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल दर्शन दबे फिल्म्स एंड म्यूजिक शुरू किया और उस पर एक नए प्रोग्राम की शुरुआत हुई डीडी सेज, तो मुझे रियलाइज हुआ कि लोग देवानंद साहब को एक सुपरस्टार की तरह जानते हैं, उनकी फिल्मों के बारे में जानते हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मुझे लगा कि उनका एक प्रियजन और फैन होने के नाते मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं उनके व्यक्तित्व के उस दूसरे अनजाने पहलू के बारे में भी दुनिया को बताऊं, आपके साथ शेयर करूं। और ये वही बता सकता है जो उनके करीब रहा हो। यकीन मानिए, अगर देवानंद साहब को कोई एक इंसान की तरह जान जाए तो देवानंद एज अ पर्सन, देवानंद एज अ ह्यूमन बीइंग, देवानंद एज अ सुपरस्टार से बहुत बड़े दिखाई देते हैं। और क्योंकि आप लोग उनके बहुत ही आर्डेंट और लविंग फैन हैं, इसलिए मैं मान सकता हूं कि आपके लिए ये एपिसोड एक ट्रीट होगा। इस वर्ष देव फेस्टिवल का अनाउंसमेंट हो चुका है और आपने मुझे आज्ञा दी है कि मैं वर्चुअली ही सही लेकिन इसमें शिरकत करूं। जब रवि कामरा जी ने मुझे फ़ोन किया तो मैं बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज रह गया ये सुन के कि मेरे अपने शहर जयपुर में इतने प्यार और श्रद्धा से देव साहब को इतनी खूबसूरत श्रद्धांजलि दी जाती है हर साल। इनफैक्ट मैं आप लोगों की भावनाएं और ये जतन देखकर बहुत इमोशनल हो गया। हमें तो फिर भी देव साहब ने इतना वक्त दिया है, सानिध्य दिया है, प्रोफेशनली भी बहुत कुछ दिया है, मगर आप लोग तो उन पर इतना अनकंडीशनल प्यार लुटाते हैं कि आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इस साल मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सका क्योंकि जो स्थिति है उसकी वजह से सब कुछ शायद वर्चुअली ही किया जा रहा है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब भी मौका मिलेगा और आप आज्ञा देंगे तो मैं पर्सनली आपसे मुलाकात करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। आई विश देव फेस्टिवल ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फैंस, कलीग्स एंड फ्रेंड्स ऑफ देव साहब फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड कीपिंग द ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑफ एन एवरग्रीन स्टार अलाइव। नमस्ते, मैं हूं दर्शन दवे। डीडी सेज में आपका स्वागत है। मैंने अपने पिछले के एपिसोड में आपसे वादा किया था कि मैं देवानंद साहब और मेरे उनके साथ बिताए वक्त की कहानी आपको सुनाऊंगा। बहुत से दर्शक मुझे बराबर याद दिलाते रहे कि वो कहानी अभी भी पेंडिंग है, इसलिए आज डीडी सेज के फर्स्ट सीजन के आखिरी एपिसोड में मैं अपना वो वादा पूरा करने जा रहा हूं। आज लेके चलूंगा आपको उसी फेज में, उन्हीं लम्हों में जिनके बारे में सिर्फ मैं जानता हूं। आज मैं आपको मेरी और उनकी कहानी के ऐसे सात बड़े मोमेंट्स बताऊंगा जो मेरे लिए जिंदगी के सात बड़े लेसन्स बन गए। सातवां जो पॉइंट होगा उसके ABC सब पॉइंट्स होंगे, लेकिन ये लेसन्स हम सबको उनसे सीखने चाहिए। अब शुरू करते हैं। मैंने एक्टर बनने के लिए भी फिल्म डायरेक्शन प्रोडक्शन की पढ़ाई की थी, तो मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में मास कॉम की पढ़ाई करने के दौरान ही हम लोग एक्टिंग का स्ट्रगल भी किया करते थे। तो साहब, एक बार किसी ने मुझसे ये कहा कि देवानंद साहब जब भी कास्टिंग करते हैं तो फ़ोन खुद ही रिसीव करते हैं। मैंने उनका नंबर अपनी एक फ़ोन डायरी में लिख लिया और अपने करियर के संघर्ष में व्यस्त हो गया। काफ़ी महीनों बाद जब मैंने फिल्मों के लिए प्रयास शुरू किया तो मुझे याद आया कि मेरे पास देवानंद साहब का नंबर है। मैंने अपनी फ़ोन डायरी में से देवानंद साहब का नंबर निकाला और उन्हें फ़ोन घुमा दिया। उनके स्टाफ ने बहुत ही आसानी से फोन देव साहब को ट्रांसफर कर दिया। मैंने देव साहब की आवाज पहली बार सुनी और उनसे कहा, देव साहब, मैंने फिल्म डायरेक्शन प्रोडक्शन की पढ़ाई की है, आप ही की तरह फिल्में बनाने में भी रुचि है, लेकिन बनना एक्टर ही चाहता हूं। उन्होंने कहा, आ जा, कल आके मिल ले। मैंने कुछ तस्वीरें और CDs एक बैग में रखी और अपनी मोटरसाइकिल पर टांग कर पहुंच गया। ग्राउंड फ्लोर पर देवानंद साहब का आनंद स्टूडियो था जहां उनकी फिल्मों का प्रोडक्शन होता था। वहां से ब्यूटीफुली डिजाइंड एक घूमता हुआ सा स्टेयरकेस था
जो ऊपर की ओर जाता था और ये एहसास कराता था कि ये हिली एरिया है। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा डिज़ाइन था उनके पेंट हाउस का। तो फर्स्ट फ्लोर पे तो उनका स्टाफ बैठता था, जहां उनके बेटे सुनील आनंद भी बैठते थे, और फिर ऊपर बैठते थे देव साहब। मेरे दिल की धड़कनें तेज थी। देवानंद साहब हमारी जनरेशन के एक्टर तो नहीं थे, पर हमारी पिछली जनरेशन में उनके लिए जो हमने दीवानगी देखी थी वो ऑस्ट्रक करने के लिए काफी थी। उनकी फिल्में देखने के लिए हम थिएटर में कभी टिकट विंडो पर लाइन में तो नहीं लगे, लेकिन हम सबके घरों में हिट्स ऑफ देवानंद नाम की कोई ना कोई ऑडियो कैसेट जरूर हुआ करती थी। चित्रहार में उनके गाने खूब देखा करते थे, और हर रात रेडियो पर हिट रेट्रो गानों के प्रोग्राम में देव साहब के शर्तिया कई गाने हुआ ही करते थे, आज भी होते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि मैं आज के दौर का एक्टर उस जमाने के सुपरस्टार के पास आज भी काम मांगने गया था। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिज स्पिरिट एंड परसीवरेंस। मैं जैसे ही कमरे में एंटर हुआ, देयर ही वॉज द सुपरस्टार। लेसन नंबर वन, अगर आप किसी से मिले हैं और वो आपको यह एहसास करा दें कि आप उनसे पहली बार नहीं मिल रहे हैं, तो ये समझ लीजिए वो ह्यूमन मैग्नेट है, पैदाइशी स्टार। मैं जब देव साहब से मिला तो उन्होंने मुझे ऐसा एहसास कराया जैसे कि वो मुझे बरसों से जानते हैं। उन्होंने मेरी तस्वीरें देखी और मुझसे कहा कि मैं तुझे बहुत जल्द ऑडिशन के लिए बुलाऊंगा। देव साहब बहुत प्यार से बात करते थे, इसलिए उनसे मैं टच में रह पाया। और एक दिन सच में उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं तेरा एक छोटा सा ऑडिशन करना चाहता हूं, लुक टेस्ट। तो एक फोटोग्राफर है हरीश दफ्तरी, उनके स्टूडियो में तू आ जाना, हम तेरा लुक टेस्ट कर लेंगे। फोटो सेशन की पहली रात मैं बहुत एक्साइटेड था। मुंबई में अकेला रहने वाला बेचारा एक स्ट्रगलर अपना बेस्ट देने का इंतजाम कर रहा था। मैं ये सोच चुका था कि मैं आज जल्दी सो जाऊंगा ताकि सुबह फ्रेश दिखूं फोटो सेशन में। मैंने अपने जूते तैयार किए, अपने कपड़े प्रेस कर रहा था, और तभी अचानक मेरा राइट हाथ जल गया, स्किन निकल गई, असहनीय जलन थी। रात भर मैं अपने बेड के राइट साइड में एक पानी का बर्तन लेकर उसमें अपना हाथ डुबोकर सोया रहा, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ, नींद भी ठीक से नहीं आई। सुबह भी सारा काम निपटाने में अंदाजे से ज्यादा वक्त लग गया। मैं घर से निकला भी नहीं था कि हरीश दफ्तरी जी जो फोटोग्राफर थे उनके असिस्टेंट का फोन आ गया कि देव साहब स्टूडियो पहुंच चुके हैं, आप कहां हैं। देव साहब वॉज डॉट ऑन टाइम। यह था दूसरा लेसन, पंक्चुअलिटी, और वो भी किसके लिए, एक न्यू कमर के लिए। मैंने जल्दी जल्दी जूते कपड़े और मेरी एक्सेसरीज एक बैग में डाली, बैग को बाइक पर टांगा और निकल पड़ा। थोड़ा आगे पहुंचा तो रियलाइज हुआ कि बाइक चलाने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन वापस घर लौटकर टैक्सी लेकर आने के लिए इट वॉज टू लेट। तभी असिस्टेंट का दोबारा फोन आया, आप कहां हैं देव साहब, इतनी देर से वेट कर रहे हैं आपका। मैंने कहा बस मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली सड़क पे इतना ट्रैफिक था कि वो 10 मिनट 1 घंटे में तब्दील हो गए। और फिर हरीश दफ्तरी जी का खुद फोन आया, थोड़ा स्ट्रिक्टली उन्होंने मुझसे कहा, आप क्या कर रहे हैं, 1 घंटे से देव साहब आपका वेट कर रहे हैं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बस आगे सिर्फ ट्रैफिक जैम था। मैं फिल्म के पहले ऑडिशन में 1.5 घंटा लेट पहुंचा, और इंतजार किसे कराया, देव साहब को। मैं श्योर था कि आज देव साहब झाड़ेंगे। मैं जैसे ही स्टूडियो में एंटर हुआ, सबके चेहरों पर शिकन थी, एक सन्नाटा था, और मैं बहुत एम्बेरस था। देव साहब एक केबिन में बैठे थे स्टूडियो में, असिस्टेंट ने मुझे इशारा किया कि जाइए अंदर जाइए, 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं आपका। मैं डरता डरता केबिन तक पहुंचा और मैंने कहा, देव साहब मैं कम इन। देव साहब ने मुझे देखते कहा, हे दर्शन दर्शन दर्शन, लुकिंग हैंडसम, कम इन कम इन। हे हरीश, कम ऑन, लाइट्स ऑन लाइट्स ऑन। और तू बिल्कुल चिंता मत कर, कोई ऑडिशन नहीं है, बहुत छोटा सा लुक टेस्ट है, डोंट वरी, ओके।
मैंने कहा देव साहब आई एम सो सॉरी, मैं 1.5 घंटा लेट हो गया। अब जो उन्होंने कहा वो सुन के आप शॉक रह जाएंगे। उन्होंने कहा अरे लेट कहां हो गया, मैं खुद अभी 5 मिनट पहले आया हूं। दिस वॉज लेसन नंबर 3। ऐसे तो और भी लोग हो सकते थे जो मुझसे ये कहते कि हां मैं 1.5 घंटा पहले आ गया था, आप लेट हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप काम कीजिए अब। लेकिन जो काइंडनेस देव साहब ने दिखाई उससे भी वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उससे मुझे ये सबक मिला कि अगर आप किसी का अच्छा करते हैं और जता देते हैं तो आप अच्छे तो हो जाते हैं लेकिन ग्रेट नहीं। अगर आप किसी के प्रति काइंडनेस दिखाते हैं तो आप सोना हो जाते हैं, लेकिन उसे जता देने से उसकी तासीर बदल जाती है। तो इसलिए लेसन नंबर 3 क्या, के काइंड बनना है, सिर्फ दिखाना नहीं है। मैं फिल्म के लिए सेलेक्ट हो गया और मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। फिल्म का नाम होना था ब्यूटी क्वीन। तो मैंने देव साहब से कहा देव साहब ब्यूटी क्वीन में मैं क्या कर रहा हूं? तो देव साहब ने मुझसे बोला कि इसमें 7 हीरोइनें होंगी और तू अकेला हीरो होगा। फिल्म की शूटिंग नेपाल नरेश, जो नेपाल के किंग थे, उनकी हेल्प से नेपाल में होनी थी। देव साहब ने अनु मलिक जी को साइन किया फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर, और फिल्म की हीरोइन की तरह वो आना देओल को साइन करना चाहते थे जो हेमा मालिनी जी की यंगर डॉटर हैं। पर क्योंकि आना फिल्मों में इंटरेस्टेड नहीं थी इसलिए वो हो नहीं सका। देव साहब को ये पता था कि मुझे म्यूजिक का थोड़ा शौक है, मैं गाता भी हूँ। तो एक दिन जब अनु मलिक जी आए हुए थे सिटिंग के लिए तो उन्होंने कहा कि ये लड़का गाता है, जरा सुन ले अनु। अनु जी ने कहा अच्छा गाओ। मैंने उन्हें कुछ गा के सुना दिया और उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा गा लेता है लड़का। तो देव साहब ने बोला कि ऐसा क्यों ना करें कि फिल्म में ये सिंगिंग हीरो बने, अपने लिए खुद ही प्लेबैक दे। सब लोग राजी हो गए और मुझे गाना सिखा दिया गया। इसी बीच मैंने 4 और फिल्में साइन कर ली, पर मैं देवानंद साहब की फिल्म करना चाहता था क्योंकि उसमें मैं सिंगिंग हीरो था। तभी अचानक न्यूज आई कि नेपाल नरेश का मर्डर हो गया है। देव साहब के लिए न्यूज बहुत ही शॉकिंग और दुखद थी, शायद इतनी दुखद कि जो फिल्म वो नेपाल नरेश की वजह से ही नेपाल में बनाना चाह रहे थे वो फिल्म उन्होंने पोस्टपोन कर दी। मैंने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि फिल्म पोस्टपोन हो गई है, पर मैं उनसे मिलने जाता रहा। एक बार उनकी बर्थडे पर मुझे सूझा नहीं कि मैं उनके लिए क्या ले जाऊं। मुझे याद आया कि उन्हें पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, तो मैं PVR के एक थिएटर में बिना टिकट ही घुसा, वहां से पॉपकॉर्न खरीदे और वो पॉपकॉर्न लेके मैं उनके पेंट हाउस पे पहुंच गया। जब पहुंचा तो देखा लोग इतने बड़े बड़े गिफ्ट और बुकेज लाए थे कि मैं बहुत एम्बेरस्ड हो गया। मैंने चुपचाप देव साहब के पास जाके कहा देव साहब ये चुपचाप रख लीजिए, आप किसी को दिखाइएगा मत। उन्होंने कहा क्या है? मैंने कहा नहीं देव साहब आप प्लीज़ इसको रख लीजिए। उसे एक कागज़ से ढक रखा था मैंने। उन्होंने कागज़ हटाया तो देखा पॉपकॉर्न का कोन। मुझे नहीं मालूम उन्हें वो बात कैसे इतनी टच कर गई कि उन्होंने जोर से सबके सामने अपने ड्राइवर से कहा प्रेम इसे गाड़ी में रख, खाते हुए घर चलेंगे। और फिर उन्होंने मुझे सबसे ये कह के इंट्रोड्यूस करा दिया, ये मेरा अगला हीरो है, इसके साथ मैं बहुत कुछ प्लान कर रहा हूं और इससे ही पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है। लेसन नंबर 4, इंसान की नीयत को इज्जत दीजिए, कीमत को नहीं। खैर देव साहब का कुछ दिनों बाद मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि दर्शन जरा तू ऑफिस आ जा, मुझे तुझे कुछ सुनाना है। मैं जब पहुंचा तो उन्होंने मुझे अपनी अगली फिल्म मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की स्क्रिप्ट सुनाई, बहुत एक्साइटेड होके, जैसे कोई बच्चा अपने दोस्त को कोई कहानी सुनाता है। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तू इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहेगा? लेकिन क्योंकि देव साहब उसमें प्रोटैगनिस्ट थे, बहुत लंबा रोल था देव साहब का और उसमें कुछ बचता नहीं था किसी और के करने के लिए, इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि देव साहब आप मुझे अपनी अगली फिल्म के लिए बचा के रखिए। यह था लेसन नंबर 7A। मुझे मालूम है अभी 5th और 6th पॉइंट्स बाकी हैं, लेकिन ये जो नो ईगो का लेसन है ना, ये पूरी कहानी में चलेगा सब पॉइंट्स की तरह। इसलिए यह हुआ लेसन 7A। ये बात उन्हें हर्ट कर सकती थी,
मगर उन्होंने मुझसे पूछा, तू गाता भी है ना, कंपोज भी करता है? मैंने कहा कुछ सुना? मैंने उन्हें अपने ही 3 गाने सुना दिए। और तभी देव साहब ने डिसाइड कर लिया कि वे मुझे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर में म्यूजिक कंपोजर का ब्रेक देंगे। जो पहला गाना उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करने के लिए कहा वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग था। उन्होंने कहा कि इस गाने में दुनिया के कोने कोने से लोग होंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस गाने में बहुत तरह का म्यूजिक भी हो। तो इसलिए मैंने उस गाने को इस तरह बनाया कि वो हर 10 सेकंड में चेंज होता है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है मेरे पहले गाने के बनने की। गाने के लिए मैंने सुनिधि चौहान की डेट ले ली। अब क्योंकि उस गाने की मांग थी, उसमें बड़ा कोरस सेक्शन लिया, बड़ा स्ट्रिंग सेक्शन लिया, एक अलग परकशन सेक्शन लिया और सब लाइव रिकॉर्ड होना था। अब गाना रिकॉर्ड करने का दिन आ गया। देव साहब ने मुझे एक चेक दिया और मुझसे ये कहा कि ये चेक तेरी रिकॉर्डिंग के लिए है, लेकिन थोड़ा पैसा अपने लिए भी बचा लेना, सारा गाने में मत लगा देना। ऑब्वियसली एज अ बिजनेसमैन आई वॉज सपोज टू अर्न फ्रॉम इट, पर क्योंकि मेरे पास उस वक्त कोई टीम नहीं थी, स्टाफ नहीं था, मैनेजर नहीं था, इसलिए मैंने वो पैसा देव साहब के प्रोडक्शन कंट्रोलर के ही हाथ में रख दिया और उन्हें यह जिम्मेदारी सौंप दी कि मैं जितना जितना कहूँ उतना लोगों को दे दीजिएगा। देव साहब को शायद ये बात कहीं छू गई कि मैंने प्रोड्यूसर के ही हाथ में पैसे वापस रख दिए, जिनसे मुझे अपनी बचत और अपना एक्सपेंडिचर छुपाना था, और शायद इसीलिए वो हुआ जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। रिकॉर्डिंग का दिन आया। मुंबई के माडा में स्वरलता स्टूडियो में रिकॉर्डिंग रखी गई। सुनिधि आई, मगर वो पहले से 5 गाने रिकॉर्ड करके आई थी, इसलिए बहुत थकी हुई थी। और फिर मैंने 1-2 जगह टोक दिया तो सुनिधि ने मुझे अलग बुलाया और ये कहा कि दर्शन, हम रिकॉर्डिंग कैंसिल कर सकते हैं क्या आज, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूं। देव साहब को लगा कि शायद मेरे टोकने की वजह से सुनिधि नाराज हो गई है और इसलिए वो स्टूडियो से चली गई। तो देव साहब ने मुझे कहा थोड़ी सी आज़ादी दे देता यार आर्टिस्ट को। मैंने वापस सुनिधि को फ़ोन किया और कहा कि ये गाना तो आप ही गाएंगी, अगली डेट बताइए। सुनिधि ने सीधे मुझे 13 दिन बाद की डेट्स दी। मैंने देव साहब से डिस्कस किया क्योंकि देव साहब को गाना अर्जेंटली चाहिए था शूटिंग के लिए। अब ये आया नो ईगो लेसन 7 का .7B। देव साहब ने अपनी शूटिंग 13 दिन पोस्टपोन कर दी और 13 दिन सुनिधि के लिए इंतजार किया। वे चाहते तो कह सकते थे कि किसी और सिंगर को ले लो गाने के लिए, लेकिन उन्होंने उस आर्टिस्ट को इज्जत दी। सुनिधि 13 दिन बाद लौटी, उन्हें गाना याद था और फिर गाना सक्सेसफुली रिकॉर्ड हुआ। मगर क्योंकि सब कुछ मेरे लिए बहुत नया था, इसलिए काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, बड़े चैलेंजेस आए। जो हमारे सीनियर रिकॉर्डिस्ट थे उनका लंग रप्चर हो गया उसी दिन, वे हॉस्पिटलाइज थे। तो कहा देव साहब ने मुझे एक नए म्यूजिक कंपोजर की तरह ब्रेक दिया था और मुझे एक असिस्टेंट रिकॉर्डिस्ट को ब्रेक देना पड़ा और उसने सारी रिकॉर्डिंग की, बट ही डिड अ गुड जॉब। दूसरी प्रॉब्लम यह आई कि क्योंकि मेरा स्ट्रिंग सेक्शन बहुत बड़ा था और उतनी जगह नहीं थी उस स्टूडियो में, तो हमने आधे लोगों को ग्राउंड फ्लोर पे और आधों को फर्स्ट फ्लोर पे बिठा के कैमरा से कोऑर्डिनेट किया। मुझे स्ट्रिंग सेक्शन को नोटेशन देके बजवाने की भी आदत नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत ही नए तरीके से काम किया। मैं उनके सामने खड़ा हो गया और मैंने कहा मैं जो जो गाता जा रहा हूँ बजाते जाइए, और लिटरली मैं यूं गाता गया, धर र र र र र ओ बजाते गए, ऐसे करके वो मुझे रिपीट करते गए और गाना 20 मिनट में ख़त्म हो गया। जब गाने की मिक्सिंग शुरू हुई तो देव साहब ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज दिया, मेरी उम्मीद से कहीं बड़ा। उन्होंने मुझसे पूछा तेरी मिक्सिंग ख़त्म हो गई? तो मैंने कहा कि हाँ देव साहब, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा और कहा अंदर आ जा, और जो एंटर हुई उन्हें देख के मेरे पैर जमीन में जम गए। लता मंगेशकर जी एंटर हुई। देव साहब ने उन्हें मेरा गाना सुनाने के लिए बुला लिया था। उन्होंने उन्हें देख के कहा ये मेरा नया हीरो है, म्यूजिक कंपोजर भी है, मैंने इसे ब्रेक दिया है, सुन के पता गाना कैसा है। मुझे लगा बस जमीन फट जाए और मैं अंदर गड़ जाऊं बस।
देव साहब ने तो एक बहुत ही क्यूट पेरेंट का रोल अदा किया था, और मैं बिल्कुल एक इरिटेटेड बच्चे की तरह यह कहना चाहता था, आपको किसने कहा था लता जी को बुलाने के लिए? लता जी ने वो गाना दो बार सुना और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, मुझे बुलाएगा ना गाना गाने? मैं दो बरगदों के बीच में ऐसे खड़ा था जैसे किसी ने बीच में छुई मुई रोक दी हो, और देव साहब इतनी कोशिश कर रहे थे कि मैं बहुत स्पेशल फील करूं उस मोमेंट में। मगर जब लता जी लौटने लगी तो मैं सब भूल गया और मैंने उनसे कहा, मैम एक फोटो खिंचवा लूं? वो फोटो है मेरे पास। देव साहब ने उस दिन सच में एक पेरेंट की तरह बिहेव किया था। ऐसे ये भी एक लेसन हो सकता था कि आप अपने साथ काम करने वालों के पेरेंट बन के काम करेंगे तो वो आपसे बहुत लॉयल रहेंगे सारी जिंदगी। देव साहब ने फिल्म की लॉन्चिंग के लिए फिल्म सिटी में एक इवेंट रखा था, मैं भी गया था। सारी मीडिया आई हुई थी, सब सेलिब्रिटीज आए हुए थे, सब स्टेज पे चढ़ गए, मैं नहीं चढ़ा क्योंकि सब बहुत सीनियर्स थे। देव साहब ने मुझे उस भीड़ में भी स्पॉट किया और इशारा करके स्टेज पे बुलाया और सारी मीडिया से मुझे अपनी अगली फिल्म के हीरो की तरह इंट्रोड्यूस कराया। उस फिल्म में बाकी गाने एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के थे। एक दिन देव साहब का मुझे फोन आया कि उन म्यूजिक डायरेक्टर को इस बात पर आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है कि उनका नाम एक न्यू कमर के साथ दिया जाए एल्बम पे। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा, तू बुरा मत मानना अगर मैं तेरा नाम ना दे सकूं। मैंने देव साहब से कहा, देव साहब आपने मुझे पहला ब्रेक दिया, मुझे एक्सपीरियंस दिया है, इतना प्यार दिया है, नाम नहीं देंगे तो चलेगा, और मैं ये भूल गया कि मेरा भी नाम आएगा। जब फिल्म के होर्डिंग्स लगे तो देव साहब ने मेरे लिए एक नया टाइटल क्रिएट कराया था होर्डिंग्स पे, एडिशनल म्यूजिक कंपोज्ड एंड एडिशनल सॉन्ग्स रिटन बाय दर्शन दवे। लेसन नंबर 5, नेक लोग हर इंसान की फीलिंग्स की कद्र करते हैं ये देखे बिना कि वो कितना बड़ा, नामी या आपके लिए फायदेमंद है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर रिलीज हुई और नहीं चली। मुझे याद है कि मैंने देव साहब को थिएटर से फोन करके सारी रिपोर्ट दी थी और देव साहब ने डिस्ट्रीब्यूटर को फोन लगाया था इमीडिएटली, बट मैं समझ सकता था कि देव साहब वॉज नॉट हैप्पी। तो मैं उनसे मिलने उनके पेंट हाउस पहुंचा। उस दिन वो किसी से भी नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैं ऊपर चला गया। थोड़ा ढूंढा तो पता चला कि वो छत पे बैठे हुए हैं अकेले। मैं टेरेस पे गया और उस दिन पहली बार मैंने देव साहब को चश्मे में देखा। थोड़ी देर हम चुपचाप बैठे रहे और फिर देव साहब ने अचानक कहा कि गाइड भी पहले नहीं चली थी, बाद में पिकअप कर गई थी। मैं कुछ नहीं बोल सका, बस इतना समझ सकता था कि देव साहब को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के ना चलने से बहुत निराशा हुई है। मैं लौट आया। थोड़े दिन बाद मैंने सुना कि देव साहब ने अपनी अगली पिक्चर अनाउंस कर दी है। लेसन नंबर 6, अगर आपको किसी लाइन में सर्वाइव करना है, कुछ बनना है, तो आपको उस काम के, उस कर्म के फल से ज्यादा उस कर्म से प्यार होना चाहिए, उस काम से मोहब्बत होनी चाहिए। यूं तो देव साहब की ब्लैक एंड व्हाइट एरा में भी बहुत फिल्में नहीं चली थी, मगर इसी जज्बे ने उन्हें देवानंद बनाया। इसके बाद मेरा देव साहब से मिलना थोड़ा कम हो गया, मैं भी अपने करियर में बिजी हो गया था, और फिर मैं उनसे सिर्फ दो बार और मिला, और ये दोनों ही मुलाकातें बहुत मेमोरेबल थी। एक बार तब जब मैं मां को देव साहब से मिलवाने ले गया था। मां बहुत कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए अक्सर सबके सामने वो वैसे ही रहती हैं जैसे वो हैं, ओवर रिएक्ट नहीं करती मतलब। लेकिन उस दिन वो ऐसी हो गई जैसे कोई बच्चा हो जाता है। उनके जमाने के सुपरस्टार थे। देव साहब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, हमने आपकी सारी फिल्में देखी हैं, आपका म्यूजिक भी इतना पसंद करते हैं आपकी फिल्मों का देव साहब। और मैं सरप्राइज होकर मां की तरफ देख रहा ऐसे। देव साहब ने
ताड़ लिया कि मैं सरप्राइज्ड हूं, तो मेरी तरफ लुक दिया और ऐसे किया कि हाँ मतलब होता है लोगों को मुझसे मिलके ऐसे होता है, सो डोंट बी सरप्राइज्ड, लेट अ टॉक। देव साहब के पास बहुत सी बुक्स का कलेक्शन था, तो माँ ने भी उन्हें अपनी एक बुक गिफ्ट की थी और उनकी एक बुक पर उन्होंने एक नोट लिख कर भी दिया था। और आखिरी मीटिंग तब जब मैं एक बहुत ही नॉनसेंसिकल लीगल प्रॉब्लम में फंस गया था। बहुत परेशान रहने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं अकेला इस जंजाल से निकल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने देव साहब से मिलकर उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की। और देव साहब ने मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स से मिलवाने का इनिशिएटिव लिया। मैं जितनी देर देव साहब के सामने उस दिन बैठा रहा, उतनी देर देव साहब मुझसे बहुत ही पेनफुल एक्सप्रेशन के साथ ये कहते रहे, ये किस झमेले में फंसा लिया तूने अपने आप को? सोचा समझा नहीं था क्या किसी पे भरोसा करने से पहले? ये क्या किया क्या तूने? वो मेरी तरफ देखते रहे और सिर्फ ऐसे करते रहे। मैं देख सकता था कि वो बहुत पेन में थे, उन्हें बहुत दुख हुआ था। हिज हेल्प वर्क्ड, और इस मुसीबत से लड़ने में उनका पूरा सर्कल मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बना। और ये मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी। खैर, ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, बड़े मोमेंट्स हो गए, मेमोरेबल मोमेंट्स हो गए। मुझे तो छोटी छोटी बातों से याद रहता है कि देव साहब क्या थे। आज जब भी कभी मैं गोरेगांव एसवी रोड से गुजरता हूं, जहां उस वक्त मैं रेंट पे रहा करता था, तो मुझे याद आ जाता है कि एक बार देव साहब का फोन आया मुझे और उन्होंने मुझसे पूछा, दर्शन तू गोरेगांव एसवी रोड पर रहता है ना? मैंने कहा जी देव साहब। तो बोले, मैं वहीं से गुजर रहा हूं और मैं तेरे घर आ रहा हूं, वो जो गाना तूने अपनी फिल्म के लिए बनाया वो मुझे सुना दे, वरना तुझे फिर सिंथेसाइजर लेके बैंड रहता गाना पड़ेगा, तो मैं आ रहा हूं। मैंने कहा नहीं नहीं देव साहब, आप मत आइएगा, यहां भीड़ जमा हो जाएगी, तमाशा हो जाएगा। मैं कई बार सोचता हूं कि एक स्टार आखिर इतना डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है। ये थे देव साहब। एक और इंसिडेंट जो मुझे याद है वो ये कि उस वक्त मेरे पास एक बाइक हुआ करती थी, मेरे करियर की बिगिनिंग थी। तो एक बार मैं और देव साहब उनके पेंट हाउस से नीचे उतरे, उस वक्त बारिश आ रही थी, तो उन्होंने बड़े कैजुअली मुझसे पूछ लिया कि तू कैसे जाएगा? तो मैंने कहा देव साहब बाइक से जाऊंगा। उन्होंने अगले 5-10 मिनट बाइक की तारीफें की, बाइक बहुत कमाल व्हीकल है, बस उठाओ और निकल जाओ, इट इज वेरी गुड फॉर यू, मतलब तुम लड़कों के लिए तो कमाल व्हीकल होता है, बाइक ही रखनी चाहिए। आई कुड सेंस कि उन्होंने ये सवाल उनके ड्राइवर, वॉचमैन और 2-4 लोगों के सामने पूछ लिया था मुझसे, तो उन्हें शायद इस बात का एम्बेरसमेंट हुआ कि उन्होंने मुझे ये कहने पे क्यों मजबूर किया कि मैं बाइक से आया हूं और मैं अब भीगते हुए घर जाऊंगा, गाड़ी से नहीं आया हूं, इसलिए उन्होंने इतनी देर तक बाइक की तारीफ की। ये थे देव साहब। कई बार जब मैं उन्हें अपना कंपोज म्यूजिक सुनाने को बैंड्रा जाता था, तो टैक्सी में जाता था क्योंकि उस वक्त मेरे पास कीबोर्ड होता था, और जब मैं लौटता था तो देव साहब मुझे जुहू तक लिफ्ट दिया करते थे। मुझे आज भी याद है कि हर बार वो मुझसे ये पूछते थे, तुझे घर तक छोड़ दूं? मेरा घर गोरेगांव में था जो जुहू से बहुत दूर है, इतना कहना भी काफी है ना। और जब तक उनका ड्राइवर मुझे टैक्सी नहीं दिला देता था, तब तक वो वहीं खड़े रहते थे। मैं कौन था यार, एक स्ट्रगलिंग न्यू कमर। ये थे देव साहब। एक बार विदेश में काफी सालों रहकर लौटे उनके एक असिस्टेंट ने मेरे सामने उनसे बहुत रूडली बात की, देव यू टोल्ड मी टू डू दैट एंड नाउ यू आर आस्किंग टू डू दिस, आई कांट डू थिंग्स अगेन एंड अगेन, और ये कह के वो गुस्से में उठ के चला गया। देव साहब ने बहुत ही क्यूटली और कॉन्फिडेंटली मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, पागल है पागल है, हाँ अपन क्या बात कर रहे थे यार, थोड़ा तो ईगो होता होगा एक स्टार में, नहीं? ये हो गया नो ईगो लेसन का पॉइंट 7C। ये थे देव साहब। एक और मजेदार बात जो मुझे हमेशा याद रहती है वो ये कि एक बार मैंने देव साहब को बताया कि जिम में हैवी वर्कआउट की वजह से मेरी बैक इंजर हो गई है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इतना हैवी वर्कआउट क्यों कर रहा था तू, तुझे मालूम है मैंने तुझे क्यों साइन किया है? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब आप पहली बार किसी से मिलने जाते हैं और अगर आपकी नजर उसकी नजरों से और चेहरे से ना हट पाए, तो वो हीरो मटेरियल है।
लेकिन अगर आपकी नजर उसके चेहरे से पहले उसकी मसल्स पे पड़ जाए तो वो एक शोपीस है, हीरो मटेरियल नहीं। इस बात का भी मुझे अफसोस है कि मैं उनके दुनिया में सबसे बड़े फैन मेरे पापा को उनसे नहीं मिलवा सका, क्योंकि वो मेरी उम्मीद से पहले इस दुनिया से चले गए। इस बात को काफी साल हो चुके हैं, मैंने कई फोन बदल दिए, लेकिन आज भी देव साहब का नंबर मेरे फोन में है। अब तो हो सकता है वो नंबर किसी और को अलॉट भी हो गया हो, लेकिन वो नंबर जब भी मैं देखता हूं तो वो मुझे ये याद दिलाता है कि इंसान वो नहीं बनता जो वो बनना चाहता है, इंसान वो बनता है जो वो होता है। देव साहब कभी भी पब्लिक प्लेस में एक पॉलिटिशियन की तरह सबको दिखाने के लिए उससे अच्छाई नहीं करते थे। लोग देव साहब से मिलने अकेले उनके पेंट हाउस में जाया करते थे, और जब अकेले बाहर आते थे तो ये फील करते हुए बाहर आते थे कि वो देव साहब के सबसे ज्यादा करीब हैं। अकेले महसूस करते थे कि देव साहब सबसे ज्यादा डिग्निफाइड और डिसेंट हैं, वे उन्हें अपना मानने लगते थे। लेकिन जब देव साहब गुजर गए तब ये रियलाइज हुआ कि उनसे तो जो भी मिलने जाता था वो उन्हें अपना एक्सक्लूसिव दोस्त मानता था। उनका फोन नंबर उस सीख का नंबर है, उस रूहानियत का नंबर है, उस इंसानियत का नंबर है। उसे तो अपनी शख्सियत पर छापना है, मिटा कैसे दूं। बहुत मिस करता हूं देव साहब को, और सारी जिंदगी करता रहूंगा, और मन ही मन उन्हें थैंक करता रहूंगा कि उन्होंने मुझे इतना अनकंडीशनल अफेक्शन दिया, बिल्कुल एक गार्डियन की तरह सपोर्ट किया, और मेरी जिंदगी में अपना भी एक अध्याय जुड़ने दिया। थैंक यू सो मच फॉर रिमेंबरिंग मी, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग मी एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू कनेक्ट विद यू ऑल। थैंक यू, नमस्ते।